कोई फोन आया था? मैंने तुमसे कुछ पूछा? सुन लिया, जवाब दो। रात दो बार तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड कृष्णा का फोन आया था। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सो रहे थे। जगाए क्यों नहीं? मैंने एक आवारा लड़की से बात करने के लिए अपने थके हुए पति को जगाना जरूरी नहीं समझा। शक करने की भी कोई हद होती है? रात मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं किया था। रात फोन किया था एक बीमार बच्चे की माँ ने, और वो बच्चा मुझे टेलीफोन न मिलने की वजह से मर गया। सुना तूने? तूने एक बीमार बच्चे को मार डाला। घर का एक अकेला चिराग बुझा दिया। मेरे पेशे के माथे पर मौत का दाग लगा दिया। शशि, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं खुद मां नहीं हूँ? सभी की जान की कसम, कृष्णा ने मुझे ये बताया नहीं कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है। मत खा मेरे बेटे की जान की झूठी कसम। उस लड़की ने बताया नहीं, तूने बताने दिया उसे? अपनी आंख पर शक की पट्टी बांध कर जीने वाली तू किसी डॉक्टर की पत्नी बनने के लायक ही नहीं। क्या कहा? मैं डॉक्टर की पत्नी होने के लायक नहीं, और तुम डॉक्टर होने के लायक हो? अस्पताल में क्या क्या होता है क्या मुझे पता नहीं? क्या होता है? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ मौज जड़ाई जाती है, और क्या होता है? तुमने हाथ उठाया मुझ पर, जंगली बेहुदा नीच। गौरी, मैं कहता हूँ चुप हो जा, नहीं तो क्या करोगे? मार डालोगे? घोटो, गला घोटो मेरा, जान से मार डालो। मगर मैं जूते खा के यहाँ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तो जा, मैं भी यहाँ रहने के लिए तेरे हाथ नहीं जोड़ूंगा। यहाँ से जाने के बाद ही शायद तेरा अहम काट टूटे। अरे बिटिया, अभी तक तो यही है, गई नहीं? आज जरा देर से खुली पड़ी। इतनी देर में वो सारा घर उलट पुलट हो गया होगा। मैं चलूं। जल्दी जल्दी। गौरी बिटिया आई नहीं, ब्रेकफास्ट कहाँ बनाए? छोटे मालिक बड़े मालिक अंताक्षरी शुरू कर देंगे। बज गई घंटी, जाने की अब सबकी घंटी बज जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं? अपनी तो नौकरी चली जाएगी, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, कूपन पर सिग्नेचर किससे करवाएं? ये लो, फिर बज गई। अरे तुम सब लोग ऐसा काहे ठहरे हो? गौरी बिटिया नहीं ना इनका, मर गए। अब बड़े मालिक के कमरे में जाएं तो मुसीबत, और ना जाएं तो मुसीबत। तुम्हें काहे की फिक्र है दुबे जी, तुम तो फेवरेट हो, फेवरेट। अरे गौरी बिटिया नहीं ना इनना, गजब हो जाएगा। मालिक के कमरे में गए तो दंड देने से कुछ भी फैसला सुनाए देंगे। रिटायर हो गए पर जजी करे से बाज नहीं आवत है, और ना ही गए तो गौरी बिटिया हड़ गई। अरे ओ दुबे के बच्चे, 7:15 हो गए और चाय नहीं लाया। ए दुबे। आया मालिक। उसे मालूम है चाय के बिना मामला पिघलता नहीं है। अरे उन कहाँ मर गया था? अरे चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। हम बिटिया का इंतजार कर रहे थे, बिटिया नहीं आई ना। बिटिया नहीं आई? नहीं आई। और उल्लू के तुम पाकता तो उसका इंतजार कर रहा था। चल रख रख इधर। अरे ऐसा मौका कब मिलेगा? एक काम कर, अलमारी खोल और रामायण ले आ। अच्छा, रामायण? अरे तू ला तो। अरे लाना जल्दी, मुद्दत हो गई, मीठी चाय पियो जल्दी। अरे सूरत पर 12 बजे क्यों खड़ा है? लाना जल्दी। बिटिया की खबर हो गई तो? अरे बिटिया के अंतर्यामी है, चाय के अंदर क्या है उसे कैसे पता चलेगा? अरे अरे सुन, गौरी के आने से पहले रोज इसी तरह चाय ले आया कर, तेरी तनख्वाह 7 रुपए बढ़ा दूंगा। अच्छा 10 रुपए। बेटी
सूखा भाई। जब आपने प्याली में पहला शुगर क्यूब डाला था अब अंकल बच्चों की तरह चोरी छुपे शक्कर खाने में आपको शर्म नहीं आती? तनख्वाह तो तुम्हारी मैं बढ़ाती हूँ, तुम इनके चाय के साथ शक्कर लाते हैं क्यों? बिटिया हम अब मैं भी गला साफ करूँ? दुबे सच सच बताओ, नहीं तो मैं ये भी नहीं देखूंगी कि तुम पुराने नौकर हो, निकाल बाहर करूंगी, समझे? बताओ शक्कर क्यों लाए? हम नहीं लाए बिटिया। ओ तो क्यूब खुद चल कर आए होंगे ना यहाँ पर? नहीं नहीं। तो राम राम। ओहो बेहद धार्मिक शुगर क्यूब लगते हैं, रामायण पढ़ते हैं। लाया तो था यही कमबख्त ना। बेटी इसके तनखा में से 5 रुपए काट लेना, चल भाग भाग। बेटी तूने बचा लिया, वरना ये तो मुझे मीठी चाय पिलाई देता। अच्छा अच्छा अंकल, ये महा डॉक्टर शशिकांत वर्मा अभी तक जागे कि नहीं? अरे बेटी तेरे जगह बिना कभी जगह वो जा सकते जा। तब समझती हूँ। ले। ओ हो हो हो, क्या ठाट से सो रहे डॉक्टर साहब, उठिए सुबह हो गई है। ओ, अरे उठते हो कि नहीं? ओ, ओ, सोने दो ना। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं डॉक्टर साहब, अलार्म घड़ी है। हैज टाइम गिव्स यू करेक्ट टाइम। हेल विद्या हैज टाइम। खैर अभी दिखा दूं तुझे। भागती कहाँ है? अंकल जी। अरे अरे डैडी को बुला रही हो? मैं देख रहा हूँ तुम लिबर्टीज कुछ ज्यादा ही लेने लगी हो। डैडी के प्यार का ये मतलब नहीं कि सारा का तुम्हारा गुलाम हो गया, तुम्हारा इशारा में नाचेगा। अरे नाचेगा कैसे, नहीं सीधे जाकर के मुंह हाथ धो, ये तो पुकारती हूँ अंकल जी को। अंकल की ही लाठी मांगा करो दिन भर, बड़ी आई अंकल वाली। अंकल चाहता हूँ डैडी को बुलाती हूँ, जब देखो तुम भागती रहती। हेलो। हाय शशि डार्लिंग, हाउ आर यू? हाय कृष्णा डार्लिंग। कहो रात कैसी कटी? पता नहीं, मैं तो सपना देखती रही। अच्छा अच्छा, तभी मेरे सपने में नहीं आई। तो और कौन आया था? आई थी एक नई लड़की, नाम नहीं मालूम उसका, बड़ी खूबसूरत थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी कि मेरे सारे सपने उनमें समा जाए, फिर भी वो खाली की खाली लगे। और उसके बाएं गाल पर नीचे की तरफ एक तिल है। दाएं गाल पर है, बाएं गाल पर नहीं। यू फ्लैटरर। और परी लग रही थी, परी। परी नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल। क्या बदतमीजी है, गौरी की बच्ची, अभी दिखाता तुझे। बेशर्मी की भी हद होती है। गौरी तुमसे किसने कहा था टेलीफोन में अपनी टांग अड़ाने के लिए? टांग तो बिल्कुल नहीं अड़ाई, बस सुना था। क्यों सुना था? अरे क्या चाहा? देखो गौरी होश में रहा करो, मुझे बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे भी ये बातें अच्छी नहीं लगती, और वो बेशरम लड़की अपनी झूठी तारीफ सुनकर खिक 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 कर रही थी। तुम नीचे तो आ, तुम्हारी खबर लेती। क्या कर लोगी? आप भी मालूम पड़ जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। रिटायर्ड जस्टिस श्री उमाकांत वर्मा का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे 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 सुनो तो, अरे सुनो भाई, ये तो जाती है यार, बात बात पर धमकाती है। जिंदगी का मजा आ गया, जरा नजर रखना कहीं गौरी के अंदर टपक ना पड़े। देख देखा, मालिक मर गए, बेटी आ रही है। बंद तबाह हो गए, रोक दो रोको रोको, नहीं रोक सकते नहीं रोक सकते, बंद बंद चली आ रही है। तो क्या करे? हमें क्या पता, डल जाएगा मालिक, क्या करत हो। हद होती हर बात की, बात सब में भी लव, न कोई शर्म है न हया। इतनी उम्र हो गई मगर फायदा क्या? मुझसे कुछ कहा नहीं, 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 वो सामने जो पेड़ है ना, डॉक्टर ने उसे सिगार पीने से मना किया था, मगर वो मानता ही नहीं, चोरी छुपे एक आध सिगार जरूर पी लेता है। मैं सोचती हूँ उससे कुछ कहना ही बंद कर दूँ। फायदा क्या, मैं कुछ भी बकती रहूँ मेरी सुनता कौन है। अरे अंधे तेरी जेब जल रही है, जेब जल रही है। आप फेंकने से क्या होता है, इसी कमबख्त ने मेरी आदत बिगाड़ रखी है। बेकस मार लो मालिक, बिटिया भी दूर है और मैं इसके फुसलाने में आ जाता हूँ।
अरे कम वक्त, तुझे अपने मालिक की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं। डांट दिया उसे। तू कहे तो फिर से बुलाकर डांट दूं? जी नहीं, मेरे सामने तमाशा करने से फायदा क्या? शौक से पीजिए आप सिगार, और कल से मीठी चाय भी पीना शुरू कर दीजिए। नहीं नहीं बेटी, आप सिगार पीजिए और ऊपर उन्हें टब में नहाने दीजिए। टब में नहाने किसकी बात कर रही है? शशि की। जी हाँ। क्या हुआ, फिसल गया क्या? जी नहीं, मगर फिसलने की पूरी तैयारी कर रहे। क्या किया क्या किया? वो हाँ। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग शशि। शशि जी, कृष्णा कौन है? कृष्णा, कृष्णा लॉर्ड कृष्णा डैडी। जरा पूछिए, लॉर्ड कृष्णा है या लॉर्डनी कृष्णा? हाँ बोलो डैडी, आप इसको समझा दीजिए, मुझको ये हर बात में फुनने लगाना अच्छा नहीं लगता। कृष्णा इज अ फ्रेंड, एनी ऑब्जेक्शन? अंकल जी, अंग्रेजी में यही तो बड़ी खराबी है, कृष्णा इज अ फ्रेंड, पता ही नहीं चला कि ये फ्रेंड लड़का है या लड़की। राइट वो भैंस का अंडा है, आपको कोई एतराज? एतराज क्यों होगा, जिस दिन ये भैंस का अंडा मिल जाएगा ना, ऑमलेट बना दूंगी। ये तो कमाल का दोस्त है, दोस्त का दोस्त भी है और अंडा भी है। नहीं मिलाओ ना एकदम इससे। जी वो, हाँ बोलो बोलो। देखो बेटे, लड़कियों से बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस लड़की की वजह से तुम्हें अपने डैडी से झूठ बोलने पर मजबूर होना पड़े, वो लड़की मिलने के काबिल नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। पर लड़की थी बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी बड़ी आंखें जिसमें मेरे सारे सपने समा जाए। वाह क्या ओरिजिनल डायलॉग है। डैडी से शिकायत करती है अंकल। डैडी को बुलाती है। चलो ध्यान धरो, ध्यान धरो। पिताजी। हाँ जी। खाना परोस दो। हाँ परोस दो। अच्छा बच्चों, तुम लोग अब जाओ, है आज की पढ़ाई खत्म। नमस्ते। नमस्ते पिताजी। आज एक बड़ी मजेदार बात हुई। क्या बात हुई? शशि बाथरूम में नहाते हुए किसी लड़की से फोन पर उल जलूल बातें कर रहा था। मैंने अंकल जी को बता दिया और उसकी छुट्टी हो गई। उसका मुंह देखने लायक था। ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। क्यों नहीं कहना चाहिए था? क्या मैं उसे डरती हूँ? ये बात नहीं बेटी, वो दोनों हमें इतनी इज्जत देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएं। मैंने उसी इज्जत की इज्जत रखने के लिए उन्हें बताया। बताया है चुगली खाई। चुगली और मैं? अरे शशि मेरे लिए कोई पराया थोड़ी है। हम दोनों बचपन में साथ खेले हैं, पढ़े हैं। आज वो बड़ा डॉक्टर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत काम करे और मैं चुपचाप देखती रहूं। मैं ये नहीं कहता, मेरा मतलब ये है कि जो काम भी करो अपनी सीमा के अंदर रह के करो, किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं। ये क्या पिताजी, आप तो हमेशा मेरी ही गलती निकालते हैं। दाल जी। रुकिए रुकिए प्लीज प्लीज, लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोगों को मेरी मदद करनी चाहिए। आप तो जानते हैं कि आप लोगों की मदद के बिना मैं मारा जाऊंगा, मामा मेरी जान ले लेगा, मैं मर जाऊंगा। देखो रामनारायण, ये तुम्हारी बहुत जाती है, तुम्हें मामा से बचाने के लिए हम क्यों झूठ बोले? चलो चलो यार, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो चलो, चलो। अरे क्लास तो आप लोग रोज ही जाते हैं, मेरा मामा थोड़ा ही रोज आता है। आप लोग तो सब जानते हैं कि मामा मुझको आके महीने का पैसा दे जाता है। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन पार्टी दूंगा अकेलाड में, लेकिन मेरा बांडा मत फोड़ो प्लीज। क्या बात है आर्यन, भिक्षा मांग रहा है? क्या किया जाए, शनिचर है ना। ओ, मामा के आने का दिन है। अरे वो देखो, अरे बाप रे मामा आ गए। देखो भाई, अब मेरी हंडिया तुम्हारे हाथ में, चाहे जोड़ो या फोड़ो, आपकी दुआ से प्लीज मदद करना भूलना मत। थैंक यू थैंक यू। अरे रामू जल्दी से अंदर, मामा आ गए। नमस्ते मामा जी। अरे जीतते रहो बेटा जीतते रहो, सब ठीक ठाक है ना? जी। पढ़ाई कैसी चल रही है? जी। हमारा रामनारायण कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास मामा जी, आजकल तो उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती। क्यों? उसने तीन दिन पहले इतना सीरियस ऑपरेशन किया, सब देखने वाले वाह वाह करते रह गए। अरे भांजा किसका है? मामा जी आप देखते रहिए, वो एक दिन इतना बड़ा डॉक्टर बन जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। अरे बस यही तो मेरा सपना है, लेकिन मेरा लल्ला है कहाँ? आइए ना मैं आपको मिलाता हूँ आपके लल्ले से और उसके मरीजों की लंबी लाइन। मामा जी चला। बताओ क्या तकलीफ है आपकी दुआ से? पेट में तकलीफ है डॉक्टर साहब। दर्द होता है? तुम्हारी आंखें दिखाओ।
तुम्हारी नब्ज और तुम्हारी आंखें चुगली खा रही हैं कि तुमने रात को खड़ी उड़द की दाल, बैठा हुआ चावल और लेटी हुई बाजरे की रोटी खाई थी कि नहीं? हाँ, खाई थी ना। जब तुम्हारा पेट खराब था तो तुमने ऐसी चीजें खाई क्यों? मतलब ये है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं और आंखें खराब इसलिए हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए मुझे तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ब्रेन ऑपरेशन। ऑपरेशन मेरा नहीं, आपने तो अपने मामा को उल्लू बनाने के लिए एक्टिंग करने के लिए कहा था। अब आप मेरा ऑपरेशन करके मेरी बीवी बच्चों को अनाथ बनाना चाहते हैं। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, ले लीजिए अपने 5 रुपए। अबे लल्ला के बच्चे, मुझसे धोखा। बाबा जी खराब, मेरी मां आपको ब्लड प्रेशर में आ गई है। पानी फेंक दिया बच्चा। बाबा जी बाबा जी छोड़ने वाला। अबे कहां गया? मुझे उल्लू बनाता है, मैं तुझे डॉक्टर बना के छोड़ दूंगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। उल्लू, उल्लू का बच्चा। हंसो हंसो हंसो। तुम लोग हंस रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई मामा नहीं है ना? तुम लोग जानते नहीं कि मामा कितनी खतरनाक चीज होता है, लेकिन मुझे बन जाना तो एक दिन मिनिस्टर ऑफ सोशल रिफॉर्म, और फिर सारे देश में एक ही नारा गूंजेगा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। भाइयों और बहनों भी, लोग कहते हैं कि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, विद्यार्थियों के आंदोलन, नेताओं का पार्टियां बदल लेना। मैं इन समस्याओं से इनकार नहीं करता, परंतु हमारे देश के नौजवानों के सामने सबसे बड़ी और सबसे घनघोर समस्या है मामाइज्म अर्थात मामावाद। अगर हम लोगों ने मामावाद का डट के विरोध नहीं किया तो हमारे देश के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं आज अखिल भारतीय मामा विरोधी संघ की घोषणा करता हूं और उद्घाटन करता हूं। लौटाओ, लौटाओ, लौटाओ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर शशि कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर शशि हियर देयर ओवर देयर। यस थैंक यू। ओके अभी तुम जाओ। हाय हार्ट थ्रॉब। हाय ब्यूटीफुल। अरे तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? बस जरा सी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ? मिलने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। चौक से पास 2 दिन से तबीयत कुछ अजीब अजीब से लग रही है। चलो देखते हैं। चलो। ए डॉक्टर शशि सवेरे सवेरे बिजी हो गए। ये बड़ा गुड केस। डॉक्टर मजुमदार ने एग्जामिन करना चाहा तो इस तितली ने साफ इनकार कर दिया। अच्छा, लोग कहते हैं डॉक्टर वर्मा की रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है। लोग लोग क्या जाने, शशिकांत डिस्ट्रिक्ट वॉटर की तरह प्योर है। लोग मुझे भी उनके साथ बदनाम कर चुके हैं, अब भी करते हैं, लेकिन मैं हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती हूँ। उन्हें हंसने हंसाने का शौक है बस। बीपी जरा लो है। लो है यानी कि तुम्हारा हाथ लगने के बाद भी लो है? किस लिए? एंड इट विल बी ऑलराइट। आओ बैठो, लेट नाइट जरा कम करो, और ये जो गोलियां मैं लिख कर दे रहा हूँ सुबह शाम खाना, और हफ्ते के बाद फिर चेकअप के लिए आना। और एक हफ्ते तक क्या करूं? कल मिलोगे? घर से फोन करूंगा। हेलो, क्या मैं कमला से बात कर सकता हूँ? हाय हैंडसम। हेलो ब्यूटीफुल। हाय स्वीटहार्ट। कल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। गुड, तो फिर कल शाम को ठीक 4:30 बजे मिलेंगे, हॉलिडे। ओके बाय, सी यू डार्लिंग। कमला, अब ये चुड़ैल कौन है? बस अब मान गए श्री शशिकांत वर्मा को, लड़कियां फंसाने में जवाब नहीं। आप ही बताती हूँ। कृष्णा 3-7-4-2-6। हेलो, हल
Hello. Hi, Krishna. This is Shashi here. Oh, hi, Prince Charming. How are you? कल शाम को क्या कर रही हो? बस हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार. वो मजा जिंदगी में और कहाँ जो मजा तेरे इंतजार में है. तो साले मरते क्यों नहीं इंतजार में? हाँ, हेलो, क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, कल शाम को हॉलिडे में मिलेगी. कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल 4:50. ओके, शार्प 4:50 PM. ओके, बाय बाय. राधा मांजरेकर. हेलो. हाय सुराज. कैसा तो? मैं राधा जी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ. गंगू, किसका फोन है? तुम क्या? हेलो, मैं राधा मांजरेकर बोल रही हूँ. हाय डार्लिंग, दिस इज शशि हियर. ओह हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? सुनो, कल मैं हॉलिडे में एक एक्सक्लूसिव पार्टी दे रहा हूँ, 5 बजे. आ सकोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं. लेकिन और कौन कौन आ रहा है? कहा ना एक्सक्लूसिव, सिर्फ मैं और तुम. आओगे ना? ओह स्वीटहार्ट, यू आर सच अ डार्लिंग. बस इसी की कमी रह गई थी, चुम्मी देती है. अब मजा आएगा. गाले, एक बात पूछू? हाँ पूछो. यू नो आई लव यू, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, अपने डैडी से भी प्यार करता हूँ, दुनिया के सब लोगों से प्यार करता हूँ. मेरा प्यार किसी एक आदमी के लिए नहीं है. यू नो माई लव इज यूनिवर्सल. ओ यू नॉट. बोर कहाँ से आ गई? बड़ी चिपकू है, गई ना आज की शाम. तुम उसकी तरफ पीट कर लो, कहीं उसने तुम्हें देख लिया ना तो एकदम आइसक्रीम की तरह जम जाएगी. मैं उसे अभी चलता कर गया था, ऐसी रहना. ओह हाय प्रिंस चार्मिंग. हेलो कृष्णा, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू. लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुजूर, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? मैंने बुलाया था? हाँ, आप ही ने तो फोन पर ठीक 4:50 पर आने के लिए कहा था. सी? फोन पर मैंने? अरे मेरी जान, अब एक्टिंग छोड़ो. अच्छा अच्छा, जरा आहिस्ता, उधर कमला खड़ी है, हमारी आवाज सुनेगी तो चिपक जाएगी. चलो उस तरफ चलते. हाय शशि डार्लिंग. मर गए. ये जी आ गई. कृष्णा, ऐसा करो, मैं अभी आ, अभी आ. हाय शशि डार्लिंग. हाय स्वीटहार्ट. हाय राधा. I'm sorry, darling. 5 मिनट लेट होगी. पता है तुम्हारे फोन आते में इतनी बौखला गई थी. मेरा फोन? हाँ, जल्दी जल्दी में देखो, मैं कपड़े भी ठीक से नहीं पहनता. तुम्हारा मतलब है कि तुम तीनों को फोन करके मैंने बुलाया? वो भी एक ही जगह, एक साथ? Yes, of course. एक अनार और 3 बीमार. Okay. आओ, तुम तीनों का इलाज करता हूँ. बंसी बजैया, बंसी बजाओ, बंसी बजैया, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया. अच्छे फंसे तुम ताथैया ताथैया, अच्छे फंसे तुम ताथैया ताथैया, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियाँ बीच में कन्हैया. पहले तो आई राधा अकेली, पहले तो आई
चंपा आई फिर समेली अब आप अपना देखो तमाशा रास रचाओ रास रचैया चारों तरफ टोपिया बीच में कन्हैया चारों तरफ टोपिया बीच में कन्हैया सच कहते आए ये दुनिया वाले सच कहते आए ये दुनिया वाले दो कश्तियों में जो पाव डाले दो कश्तियों में जो पाव डाले क्या हाल हो उसका कुछ न पूछो नीचे हो माझी ऊपर हो नैया चारों तरफ टोपिया डांटना चाहिए हाँ। मेरी बंदूक कहाँ है बंदूक तो घर में है लेकिन इस पर छड़ी से काम चला लीजिए अच्छी बात है हाँ। ए उल्लू के पट ए शशि कौन है मैं बाप रे पेड़ी वो लड़कियां कौन थी डैडी मेरा मतलब है शरीफ लड़के पब्लिक प्लेसेस पर लड़कियों के साथ कबड्डी नहीं खेलते डैडी मैं कबड्डी नहीं खेलता और क्या कर रहे थे यू नो नो आई डोंट नो ऐसी बात नहीं है डैडी आपके और हमारे बीच में जनरेशन गैप है आजकल ऐसी बातों को बुरा नहीं मानते डैडी ओह शट अप शशि तुम लोगों का जनरेशन नहीं तो जनरेशन गैप कहां से होगा तुम्हारे दादाजी अंगूठा छापते मजदूरी करते थे मैंने भी बचपन में मजदूरी की लैंप पोस्ट के नीचे रात रात जाग के पढ़ाई की लेकिन अपने पिताजी से कभी नहीं कहा कि मेरे उनके बीच में जनरेशन का गैप है देयर कैन नॉट बी अ गैप बिटवीन जनरेशंस समय एक दरिया की तरह बहता है समय केवल वर्तमान है जिसे हम अतीत कहते हैं वो कल वर्तमान था और जिसे हम भविष्य कहते हैं वो कल वर्तमान होगा लेकिन अगर ये लड़कियां तुम्हारा वर्तमान है तो तुम्हारे भविष्य से मुझे कोई उम्मीद नहीं देखो शशि लड़कियों से मिलने जुलने में कोई खराबी नहीं
लेकिन हर दोस्ती हर रिश्ते की एक सीमा होती है, समझे? जाओ। ठीक था? लेकिन मैंने इतना लंबा भाषण देने के थोड़ी कहा था। मैं उसे छोटा भाषण दिया नहीं जाता, लेकिन ये बोल ठीक था कि नहीं? हाँ ठीक तो था। तो आधा सिगार पी लूं? हाँ? जी नहीं। एक कश? बिल्कुल नहीं। अब मुझे डांटने को कहेगी तो मैं नहीं डांटूंगा। सर में बादाम का तेल लगा दो। वाह 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 शशि, सच कहती हूँ, क्या गाते हो तुम, क्या रेंज है आवाज की, वाह। एक साथ तीन तीन लड़कियों को गाना सुनाना कोई मजाक थोड़ी है। उन तीनों को फोन करके तुमने बुलाया था ना? अरे अरे, तीनों को नहीं, दो को। एक को तो तुमने बुलाया था और डैडी को भी तुम ही लाई थी। नेचुरली। हॉलिडे इन में मिलेंगे लड़कियों से? क्यों नहीं मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। तुम कौन होती मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? क्या हक है तुम्हें? हक है मुझे, हजार बार हक है। जी हाँ, हक तो बाजार में दुकानों में बिकता है ना, कि जाकर खरीद लाई। जाकर डैडी को मस्का मारो मस्का। मैं मस्का मारती हूँ अंकल जी को? मुझे क्या पड़ी है? ये जो चाबियों का गुच्छा लटक रहा है ना, इसके लिए। हाँ हाँ, तेरी चाबियों को शहर लगा कर चाटती हूँ ना मैं सवेरे शाम। शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? सच सिर्फ कड़वा होता है, घटिया नहीं। देखो हम गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी रईस बाप की बेटी को मुझे गरीबी का ताना देने का हक मिल गया। ये रही तुम्हारे घर की चाबियां, लो अब तुम हाथ में जोड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ अरे जा जा, बड़ी आई जाने की धमकी देने वाली, तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्राण आ जाएगा। जा रही हूँ। पता नहीं क्या समझता अपने आप को, समझता है मैं उसके बिना रह नहीं सकती। क्या बात है बेटी? पिताजी, क्या गरीब होना शर्म की बात है? गरीब होना मनुष्य के लिए शर्म की बात नहीं है बेटी, इस समाज के लिए शर्म की बात है, जो कुछ लोगों को अमीर और बाकियों को गरीब बना देता है। तो फिर शशि मुझे ताना क्यों देता है? अंकल जी का घर चलाने के लिए क्या मैं तनख्वाह लेती हूँ? शशिकांत वर्मा चला ले अपने डैडी का घर। दुबे! ओफ, 7:30 बज गया, अभी तक कॉफी कर रहा था। तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ, कॉफी कहाँ है? बिटिया नहीं ना आए भैया अभी तक। बिटिया नहीं आएगी तो क्या कॉफी नहीं मिलेगी? चाबियाँ नहीं है ना भैया। ये लो चाबियाँ, पेट्रोल भी भरवाना है साहब। सब गाड़ियों की टैंकी फुल करवा दो। आज का पकेगा साहब? मेरा सर। हम का करें भैया, बिटिया बतावत है ना, और वो अभी तक आई नहीं ना। बिटिया नहीं आएगी तो क्या घर में खाना नहीं पकेगा? चौबे तनख्वाह लेगा हमसे और मीनू पूछेगा बिटिया से, बहुत ही कौन है? कमाल है, घर मेरा और चलाएगी तेरी बिटिया, इडियट। तुम लोग क्या समझते हो मैं घर नहीं चला सकता? मैं दिखा दूं घर चलाकर, बाजार में जाकर जितने मुर्गे मुर्गियां तीतर बटेर सब खरीद लो, जाओ। तबाह हो गए। अरे तू अभी तक यही है बेटी? मैंने कह दिया ना मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है मत जा, मैं भी आज से मीठी चाय पीना शुरू कर देता हूँ। भाई नारायण, मेरे लिए एक और सिगार मंगवा दो। मैं एक दिन नहीं आया तो ये बदतरी से शुरू कर दिया आपने। मैं कुछ भी करूं, तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? हाँ बोल बोल, चुप क्यों हो गई? देखा नारायण, झगड़ा शशि से और गुस्सा मुझ पर उतार रही है। गुस्सा छोड़ बेटी और चल मेरे साथ। नहीं मैं नहीं चलूंगी, शशि ने कहा कैसे कि मैं चाबियों के पीछे के लिए आपको मस्ता मारती हूँ। अच्छा वो उल्लू का पट्टा होता कौन है कहने वाला? ये घर उसका बाप का है, ये घर मेरा है, ये घर तेरा है। वो तो ठीक है उमर खान, लेकिन अपने आप को गाली क्यों दे रहे हो? तुम चुप रहो यार, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। करो करो। सुन बेटी, शशि इतना बुरा लड़का नहीं है, बचपन उसकी माँ मर गई थी, मैं भी काम मिल जा रहा है, शायद इसीलिए मुझे ठीक तरह माँ बनना नहीं आया। और एक बात याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। नहीं अंकल जी, ऐसी बातें मत कीजिए। और सुन, तूने एक मिनट भी देर की तो सारे मुर्गे कट जाएंगे और गाड़ियों की टंकी भर जाएंगी। वो अपने वो क्या समझती है, क्या मैं उसके बिना जी नहीं सकता? अलमारी में कपड़े रखना तो आता नहीं, अब पता नहीं टाइगर रखी है। टाई चाहिए? हटो,
अरे हटो, मैं देती हूँ। ये लो। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। और हर चीज अपनी जगह पर हो तो मैं भी ढूंढ सकता हूँ। सारे कमरे में ये कपड़े मैंने तो फैलाए नहीं, पर लोगों को पता हो किस चीज की क्या जगह है तब ना। मुझे ये सब नहीं आता। नहीं आता तो सीखो। क्यों सीखूं? अरे तो मत सीखो, ढूंढते रहो। फ्रिज में टाई और वार्डरोब में ठंडा पानी। टाई बांधो ना। ओहो, इतने बड़े हो गए अभी तक टाई बांधना भी नहीं आया। देख लिया घर चला के? हाँ, घर तो ठीक चला, फिर वक्त पे चाय नहीं मिली और टाई नहीं मिली और उसके बाद वो देर हुई, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक्स। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या सर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिनेवा में जो हार्ट डिजीजेस के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा है, तुम उसके लिए डेलीगेट चुन लिए गए हो। 10 दिन का सेमिनार होगा और 5 हफ्ते का टूर, कुल मिलाकर 6 हफ्ते का टूर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टैलेंट, ऑल द बेस्ट माय बॉय। हेलो शशि, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी दुआ से। सुना है तुम जिनेवा जा रहे हो। जिनेवा? अरे अपनी यात्रा पर मत निकल जाना, वापस आ जा। हाँ, हसलो हसलो, जी भर के हसलो। लेकिन कल जब मैं बन जाऊंगा ना विशेष मंत्री, फोकट मिनिस्टर, तब होंगी फॉरेन ट्रिप, फॉरेन जमीन, फॉरेन आसमान, फॉरेन लड़कियां। Isn't she beautiful? Oh yeah, she is beautiful. लौटा लौटा। अरे दुबे, जल्दी कर, सामान कार में रखवा दे, कोई चीज रह न जाए। मालिक हमरे रहते कैसे रह जाएगी कोई चीज। चलो रे चलो। अरे रामचंद्र चल। आओ नारायण आओ, शशला करने आए हो? नहीं, तुम्हें समझाने, तुम्हारा तो बेटा है भाई, कुछ दिनों के लिए जा रहा है। मैं तो बेटी वाला हूँ, मतलब मुझे तो मर जाना चाहिए। बूढ़े हो गए, बूढ़ों की तरह जुदाई बर्दाश्त करना भी सीखो। डैड, डैडी, ये क्या? बूढ़ों के खुश होने के अपने तरीके होते हैं बेटा। चलो फ्लाइट का वक्त हो गया है। लेकिन आप क्यों बिलावज एयरपोर्ट जा रहे हैं? वापसी में अकेले लौटने के लिए। गौरी कहाँ गई? गौरी, गौरी, अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? बैठी तो खैर बिल्कुल नहीं, अच्छी खासी खड़ी हूँ। अरे इतना परेशान क्यों हो भाई? मैं सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, 2 ही हफ्ते की तो बात है, और फिर तुम्हारी जबान को भी आराम मिल जाएगा। डैडी से मेरी शिकायतें करते करते थक गई होगी बेचारी। इट नीड्स रेस्ट। अरे हाँ, तुम्हारी नाक को मिस करो। इतना मत, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि वहाँ जाने तुम किस शर्ट के साथ कौन सी टाई लगा लोगे और लोग हंसेंगे। और वापस लौटते वक्त तुम कोई दुम छिल्ली भी साथ लगा ला सकते हो। कृष्णा राधा कमला के बजाय अंग्रेजी नाम चलेंगे, कैथरीन ऑड्री जीना, है ना? हाँ वो तो है। क्या डैडी को क्यों बुलाती हूँ? अच्छा बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ वहाँ किसी से दोस्ती नहीं करूँगा। और अगर की? ओह यू आर इम्पॉसिबल। खाइए ना अंकल जी। लगता है कुछ दिन लगेंगे शशि बिना जीने की आदत डालने में। अगर मालूम होता इतनी तकलीफ होगी तो उसे जाने ही नहीं देता। चाहत की ज्यादती भी जुदाई का दर्द बढ़ा देती है। बिटिया सोच क्या रही है? दाल जल गई।
क्या कहने बैठी, क्या कर रही है? कुछ नहीं अंकल जी। शशि बिना तुझे भी घर सुना सुना लग रहा होगा, है ना बेटी? चल कहीं बाहर घुमाए, चल। पहले अगर तो
बस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई फिर आंखों में नींद नहीं आई। चल बेटी घर चले। डोरी बिटिया मालिक की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मच्छरिया की तरह तड़प रहे हैं। क्या हुआ? मकान दर्द हो रहा है नारायण। कहो। शशि को खबर मत करना, नहीं तो भागा चला आएगा। अच्छा अच्छा। मैं उमाकांत वर्मा, वल्सवर्गीय उषाकांत वर्मा, अपने होश हवास में बिना किसी किस्म के दबाव के अपनी मर्जी से यह वसीयत लिख रहा हूं। जब राम जी और जानकी जी एक ही आसन पर बैठे तब दशरथ मन में बड़े मुदत हुए और उन्हें देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया। चलिए अंकल जी, दवाई खा लीजिए और आराम से सो जाइए। लीजिए, अब लीजिए भी लो लो ना। रोते क्यों हो बेटा? आत्मा बिछड़ती है, पड़ती नहीं। उमाकांत तुम में और फिर तुम्हारे परिवार में जिंदा रहेंगे। चाचा जी, आत्मा मरती नहीं पर बिछड़ने का दुख तो होता है ना। नमस्ते मिस्टर शशिकांत। आइए बाबू चंद्रिका प्रसाद जी, बैठी। क्या नाम हुआ? मैं लेट मिस्टर उमाकांत वर्मा का वसीयतनामा लेकर आया हूँ। मोटी मोटी बातें बता दीजिए, बाकी मैं बाद में पढ़ लूंगा। आपकी मर्जी। लेट मिस्टर उमाकांत ने राम अवतार दुबे को 5,000, चिरंजी लाल को 5,000, माली को 1,500, धर्मवीर ड्राइवर को 1,500 रुपए दिए हैं और बाकी सब कुछ आपके लिए है, प्रोवाइडेड आप उनके स्वर्गवास के 1 साल के अंदर ही कुमारी गौरी सिंह से शादी कर लें। और अगर आपने ऐसा न किया तो लेट मिस्टर उमाकांत की सारी प्रॉपर्टी की तनहा वारिस कुमारी गौरी सिंह होंगी। थैंक यू बाबू चंद्रिका प्रसाद जी, थैंक यू। अच्छा तो लीजिए, मैं चलता हूँ जी। की मौत मुबारक हो कुमारी गौरी सिंह। क्या कहा? वही कहा जो कहना चाहिए था। अब बंद करो ये हैरान होने का नाटक, कैसे कुछ जानती ही नहीं। क्या नहीं जानती? अब बाहर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है गौरी। तुम समझती हो डैडी की दौलत पाने के लिए मैं तुमसे शादी कर लूंगा? हरगिज नहीं। डैडी की दौलत से पति खरीदने के लिए तुम्हें किसी और बाजार में जाना पड़ेगा। ले जाइए वसीयत। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सेवा के पर्दे में तुम मेरे सीधे साधे भरोसा करने वाले पिता की दौलत पर कब्जा करने का जाल बिछाएंगी। तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। डैडी ने वसीयत की है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो उनकी धन दौलत की तनहा वारिस तुम होगी। अरे बन जाओ तनहा वारिस, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम पागल हो गए हो। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ।
इस वसीयतनामे के आईने में मैंने पहली बार तेरा असली रूप देखा है। आज तुम मेरी निगाह से गिर गई है। भगवान ने जो तस्वीर लिख दी थी वही रहने दी होती, आप क्यों इतनी तकदीर लिखने बैठ गए? देख लिया ना नतीजा। काम हो गया बेटी? नहीं पिताजी। तो जाओ उसकी वसीयत उसे वापस कर दो। ये रहे तुम्हारे जायदाद के कागज, अब मुंह सीधा कर लो। तुम्हारे नाम तुम्हारी जायदाद की रजिस्ट्री करवा दी है, संभालो अपने पिता के पास। हमारे खानदान में दी हुई चीजें वापस देने का रिवाज नहीं, मुझे नहीं चाहिए जायदाद वायदाद। और मेरे खानदान में भीख मांगने का रिवाज नहीं। तो फिर डैडी को पट्टी पढ़ाकर बस इतना लिखवाई थी? चुप रहो शशि, कितनी बार कहूँ कि मुझे ये गाली न दो। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि अंकल जी ने कोई वसीयत भी लिखी है। बनो मत। देखो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ शशि। तुम समझते क्या हो अपने आप को कि तुमसे शादी करने के लिए मैं इतना बड़ा जाल बिछाऊंगी? मुझे तुम्हारे डैडी के पैसों से अपने लिए पति खरीदने की जरूरत नहीं। कभी ये भी सोचा है तुमने कि मेरी भी अपनी मर्जी, अपनी पसंद, अपनी नापसंद हो सकती है? डॉक्टर शशिकांत वर्मा, मेरी भी अपनी पसंद और नापसंद है। तुम क्या शादी से इनकार करोगे? मैं इनकार करती हूँ। हम गरीब लोग हैं, बड़े घर में रहना भले ही न जाने, अच्छे कपड़े पहनना भले ही न जाने, पर इज्जत से रहना जरूर जानते हैं। मैंने जायदाद हड़प करने की कोशिश की, तुम्हारा ये शक दूर हुआ या नहीं है तुम जानो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा इस घर से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। बचपन की साथी हो, चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मगर एक बात का ख्याल रखना शशि, कृष्ण बनकर नहीं तुम राम बनकर जियो। अंकल जी यही चाहते थे। भैया मास्टर जी आए। मास्टर जी आए क्यों? पता नहीं भैया, बाहर गाड़ी लगी है, सब सामान वामान लग गया है, जा रहे हैं। जा रहे हैं कहाँ? नमस्ते चाची जी। ओ जी तेरा बेटा। कहिए। कहना क्या है चाची, जब तक उमाकांत जिंदा थे तब तक की बात और थी, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? गाँव, थोड़ी सी जमीन है, खेती बाड़ी करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और कोई अच्छा सा लड़का देखकर गौरी के हाथ पीले कर दूंगा। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। आ गया ना? हाँ पिताजी। बैठो बेटी, चलो भाई चलो। है रुको, टांगे रुको, रास्ते की पत्थर से बचा के ले चलो टांगे वाले। ये गाड़ी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले नीचे उतरो। उतरो उतरो। ये क्या जबरदस्ती है? मैं अकेले जी नहीं सकता गौरी। हाँ जो कुछ मैंने कहा वो गलत है, पर मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे गलत कहने और झगड़ा करने की आदत है। देखो गौरी, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें बदलना चाहिए। हाँ हाँ, फिर भी जाना हो तो जाओ, जरूर जाओ। मैं डैडी से कह दूंगा कि गौरी का दिल इतना बड़ा नहीं है जो किसी को एक छोटी सी भूल पर माफ कर सके। ये छोटी सी भूल है? तुमने मेरा और अंकल जी से मेरे प्यार का अपमान किया है, ये छोटी सी भूल है?
तुमने ये आरोप लगाया है कि मैंने अंकल जी की दौलत हथियाने के लिए सेवा का जाल बिछाया है, ये छोटी सी भूल है। आते जाते भी रुला दिया ना। रुलाया भी और आंसू भी पहुंचूंगा। मैंने तुम पर जो इल्जाम लगाया है ना, तुम मुझसे भी बड़ा कोई इल्जाम मुझ पर लगा दो, पर छोड़ कर ना जाओ। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता बोरे, और मैं तुम्हारे बिना जीना सीखूंगा भी नहीं।
मेरा सजनी ये प्यार हमारा कितना है दूर किनारा। अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं आता, जानती नहीं किसका बेटा है? डॉक्टर शशिकांत वर्मा का। देखती जाओ इसे क्या बनाता हूँ। छोड़िए, सब जानती हूँ, ज्यादा ढेंगे मत मारिए। और सुनिए, शाम को जल्दी लौट आइए। क्यों? पीछे देखने चलेंगे। ओके डार्लिंग, ठीक 5 बजे घर पहुँच जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सी यू। टाटा करो। टाटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे याद किया? भाई रामनारायण, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? मुझे अफसोस है कि तुम्हारे कॉलेज में लगातार फेल होने की वजह से बोर्ड ने तुम्हें डिबार करने का फैसला कर लिया है। डिबार? यू मीन रस्टिकेट? यू मीन आउट? यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आज आर्यन के लिए डबल खुशी का दिन है। एक तो ये कि ये आज कॉलेज से दीवार हो गया, और दूसरा ये कि इसके मामा दुनिया से चल बसे। कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। अब मैं आर्यन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विदाई के मौके पर चंद शब्द कहे। आर्यन, जरा इसे पकड़ना। थैंक यू। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्रेम और प्यार देखकर मैं दीवाना हुआ जा रहा हूं। आपको पता है कि आज कॉलेज ने मुझे डिबार कर दिया है और मामा जी से मुझे मुक्ति मिल गई है, इसलिए अब मैं राजनीति की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि राजनीति में काम कम और माल ज्यादा है। राजनीति में अगर आप देखें कि आपकी पार्टी हार रही है तो आप फौरन अपनी कुर्सी लेकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और तो और आप अपनी नई पार्टी भी फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा कि एक दिन मैं भी मिनिस्टर बन जाऊंगा, और फिर देखना। देश के नेता, देश के नेता, राम नारायण, राम नारायण, देश के नेता, देश के नेता, राम नारायण, राम नारायण, देश के नेता, देश के नेता, राम नारायण। मंत्री महोदय जी, सबसे पहले हम इस बात पर गर्व और प्रेम प्रकट करना उचित समझते हैं कि श्रीमान जी, आप इसी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे और आज हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पधारे हैं। आप बहुत ही अच्छे, तेज और समझदार विद्यार्थी के रूप में यहां सदा याद रखे जाएंगे। आज डॉक्टरेट की डिग्री देकर ये यूनिवर्सिटी अपनी इज्जत बढ़ा रही है। माननीय मेहमान, उपकुलपति जी और डीन साहब, डीन साहब ने मेरे स्वास्थ्य मंत्री होने की प्रशंसा में 4 शब्द कहे हैं, मैं उसके लिए आभारी हूं और कृतज्ञ हूं। लेकिन डीन साहब, शायद आप भूल गए हैं कि मैं वही राम नारायण हूं जिसे आपने सेकेंड ईयर फाइनल में 100 में से 0 दिया था। लेकिन मैं 0 नहीं हुआ, हाजिरियों से, अंकों से, परीक्षाओं से आदमी को नहीं तोलना चाहिए, मैं उसकी जिंदा मिसाल हूं। आई एम सॉरी सर। सॉरी सर, सुना आपने, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए।
मैं सर नहीं, मैं श्रीमान या मंत्री महोदय हूं। और अगर भविष्य में आपने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया तो मैं आप पे जांच आयोग यानी इंक्वायरी कमीशन बिठा दूंगा। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। अबे तेरी ट्रेन का वक्त हो गया। दोस्तों अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। सिर्फ एक बात याद रखना कि मेरे मिनिस्टर बन जाने तक इस देश को संभालना। अच्छा ये खुराक ने दिन में 3 बार दीजिएगा। क्या ये काफी है? हाँ जी। नमस्ते। 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 अरे बाप रे, 5 बजे। हाय शशि। ओ हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, मीट माय हस्बैंड शिव कुमार। हाउ आर यू? लेकिन दोस्तों के लिए एसके। बैठिए ना, बैठिए। और मेरी छोटी सी गुड़िया रश्मि। हाय बेबी, कैसी है? शशि ठीक से खाती पीती नहीं और बस रोती ही रहती है। अरे अभी देखते हैं हमारी छोटी बेबी के पेट में गुदगुदी होती है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं 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 बाबा नहीं। आ खोलो जो दिखा। हेलो, मैं मिसेस वर्मा बोल रही हूँ, जरा डॉक्टर साहब को फोन दीजिए। डॉक्टर साहब आपका फोन है। अभी आया। ठीक है, कोई बात नहीं, उठा लो इसे। चलो, घबराने कोई बात नहीं, बच्ची ठीक हो जाएगी, फर्स्ट क्लास हो जाएगी। आओ बेटा आओ। हाँ तो फिर कृष्णा बोलो। आजकल जिंदगी के क्या रंग? कोई रंग ही नहीं, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बिजनेस में मुझे दिलचस्पी नहीं और घर में बिजनेस के सिवा कुछ और होता भी नहीं। तो फिर कभी कभार पुराने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए ना। पुराने दोस्त तो बिजी हो गए हैं ना। तुम्हारे लिए थोड़ी बिजी हूँ यार। बाय रानी। बाय बाय। अरे हेलो हेलो। ओफो, अरे बाप रे, बहुत देर हो गई, भागो। हाँ शाबाश, ये भी लो बेटा। सॉरी डार्लिंग, आज फिर देर हो गई। क्या करे भाई, पेशा ही ऐसा है ना। रियली गौरी, मैं उठने का इरादा ही कर रहा था कि एक केस आ गया। जाहिर है, केस को ये तो नहीं मालूम था कि तुम घर भी जाते हो, या कम से कम जाना चाहिए। कैसा केस था? एक बच्ची थी। उम्र क्या थी बच्ची की? यही कोई। तुम्हें ये तो याद रहना चाहिए, आज तुमने मुन्नी को बाहर ले जाने का वादा किया था, और कल ये मत भूल जाना कि रवि का बर्थडे। कमाल है, भला मैं रवि की सालगिरह भूल सकता हूँ? केस और नो केस, कल मैं ठीक वक्त पर मौजूद रहूंगा शायद। ओके शायद। हेलो, डॉक्टर शशि है वहाँ? हाँ जी, हम दुबे बोले थे। जरा जरा उन्हें बुला दीजिए। हेलो शशि, शशि मैं कृष्णा बोल रही हूँ। हाँ वो बेबी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ तुम जल्दी से आने की कोशिश करो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ अभी पहुँचता हूँ। सब बच्चों को केक खिला दिया? हाँ बेटी। अच्छा सबको ठंडा पिला दिया? अच्छा गौरी इधर आओ, तुम जरा पार्टी संभालो, एक जरूरी केस है, मैं भी आया। देखो ये तुम्हारी बेटी की बर्थडे पार्टी है, किसी और डॉक्टर को भेज दो ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड गौरी, अगर अपना रवि बीमार हो और उसका डॉक्टर अपने बेटे की पार्टी छोड़ कर ना आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? प्लीज ट्राई टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर सर डार्लिंग। हाँ तुम पार्टी संभालो, मैं अभी आया। मिसेस वर्मा, पार्टी बहुत ही अच्छी रही, लेकिन अगर डॉक्टर साहब भी होते तो और ही मजा आता। अच्छा नमस्ते। घबराने की कोई बात नहीं, बच्चे की तबीयत काफी ठीक है, फिर से आने लगे
तो मुझे फोन कर दीजिएगा। डोंट हेसिटेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। छुट्टी हो गई यार। यार भगवान से मस्का मार के कहो कि कल सुबह तक कोई फोन ना आए। खाना लगा दो। बस एक ग्लास ठंडा पानी हो जाए। पानी पी लीजिए। हेलो, जरा शशि को जगा दीजिए। मैं कृष्णा बोल रही हूँ। नहीं, वो सो रहे। ये तो पीछे पड़ गई कब्बख। मुझे शशि ने ही फोन करने के लिए कहा था। जी हाँ, उन्होंने कहा और आपने कर दिया, वो भी इतनी रात के। डॉक्टर होने का मतलब ये तो नहीं कि जिसका जब जी चाहे फोन खड़खड़ा दे। डॉक्टर की भी घरेलू जिंदगी होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, समझे? तुमने मुझे फोन क्यों किया? फोन किया था, दो बार फोन किया था। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बुलाने से इनकार कर दिया। मैंने फिर भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी लाइन एंगेज रही। दूसरे डॉक्टर के आने तक मेरी गुड़िया तक तोड़ तोड़ के मर गई। डॉक्टर, अगर आप वक्त पर आ जाते तो शायद हमारी बच्ची बच जाती। ये देखो देखो। सॉरी, रात कोई फोन आया था? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? सुन लिया, जवाब दो। रात दो बार तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड कृष्णा का फोन आया था। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सो रहे थे। तो जगाया क्यों नहीं? मैंने एक आवारा लड़की से बात करने के लिए अपने थके हुए पति को जगाना जरूरी नहीं समझा। शक करने की भी कोई हद होती है? रात मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं किया था। रात फोन किया था एक बीमार बच्चे की माँ ने, और वो बच्चा मुझे टेलीफोन न मिलने की वजह से मर गया। सुना तूने? तूने एक बीमार बच्चे को मार डाला। घर का एक अकेला चिराग बुझा दिया। मेरे पेशे के माथे पर मौत का दाग लगा दिया। शशि, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं खुद मां नहीं हूँ? सभी की जान की कसम, कृष्णा ने मुझे ये बताया नहीं कि उसकी बच्ची की तबीयत खराब है। मत खाओ मेरे बेटे की जान की झूठी कसम। उस लड़की ने बताया नहीं, तूने बताने दिया उसे? अपनी आंख पर शक की पट्टी बांधकर जीने वाली तू किसी डॉक्टर की पत्नी बनने के लायक ही नहीं। क्या कहा? मैं डॉक्टर की पत्नी होने के लायक नहीं, और तुम डॉक्टर होने के लायक हो? अस्पताल में क्या क्या होता है क्या मुझे पता नहीं? क्या होता है? अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ मौज जड़ाई जाती है, और क्या होता है? तुमने हाथ उठाया मुझ पर, जंगली बेहुदा नीच। गोरी, मैं कहता हूँ चुप हो जा, नहीं तो क्या करोगे? मार डालोगे? गोदू, गला घोटते मेरा, जान से मार डालो। मगर मैं जूते खाकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तो जा। मैं भी यहाँ रहने के लिए तेरे हाथ नहीं जोड़ूंगा। यहाँ से जाने के बाद ही शायद तेरा अहम काटूंगा। इस ख्याल में मत रहना कि मैं दो चार दिन में लौट आऊंगी। मैं कभी नहीं लौटूंगी। चल मुन्ना, चल जा। रवि नहीं जाएगा तेरे साथ दरबार की ठोकरें खाने के लिए। हाँ हाँ, तो रख लो रवि को, मगर बच्चा दौलत की गोद में नहीं,
माँ की गोद में पलता है। बच्चा कैसे पलता है मैं भी जानता हूँ, तुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको मुझसे तुम अलग कर रहे हो, पर उसका क्या करोगे जो मेरी कोख में बैठे बैठे ये देख रहा है कि उसका बाप कितना नीच आदमी है। अरे जा जा, मैं भी देखता हूँ इस नीच के बिना तू कितने दिन जी सकती। अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊँ आपकी दुआ से। अरे इज इट रियली यू आर एन? जी हाँ, इस आर एन रिटर्न फ्रॉम फॉरेन आपकी दुआ से। और ये है माधवी का, मेरा मतलब है माधवी का मिसिस धर्मपत्नी। और ये है शशिकांत वर्मा, मेरा जिगरी दोस्त 100% आपकी दुआ से। नमस्ते भाभी। नमस्ते। बैठिए ना। ओ यस। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारी शादी में आए क्यों नहीं? डार्लिंग, ये वही शशि है ना जिसका जिक्र तुमने पहली बार रोम नहीं लंदन के नहीं पेरिस के आईफिल टावर पे किया था। देखो यार, अब तुम हिंदुस्तान लौट आई हो, भारतीय बातें करो, ये मत भूलो कि तुम एक एक्स मिनिस्टर की बेटी हो। लेकिन यार तुम कब हो रहे हो मिनिस्टर? मैंने इरादा बदल दिया है, पता नहीं साला मिड टर्म पोल कब हो जाए और चुनाव लड़ने में उतना पैसा लग जाए जितना के कमाने को ना मिले। मैंने लाइन ही बदल दी। इनके पिताजी एक्स मिनिस्टर रहे ना तो बड़ी जान पहचान है, इसलिए मैंने सोचा है कि बिजनेस करूंगा। और ये भी सोच रखा है कि तुम मेरे पार्टनर बनोगे। हाँ, और एक और बात सोच रखी है कि तेरे बेटे को मैं अपना दामाद बनाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी धर्मपति को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि वो मेरे लिए लड़की प्रोड्यूस करे। ये क्या बदतमीजी है शशि, भाभी नहीं दिखती, कहाँ है? अम्मा उल्लू पन्ने की बातें छोड़ो, गौरी भाभी अंदर होगी, जाके मिलो और हम दोनों को छोड़ दो कुछ मर्दानी बातों के लिए। नहीं आर्यन, गौरी अंदर नहीं है। अंदर नहीं है तो फिर कहाँ है? देखो आर्यन, क्या ये जरूरी है कि वही बात की जाए जो मैं करना नहीं चाहता हूँ? गौरी मुझे छोड़कर चली गई है। छोड़कर चली गई क्यों? क्योंकि उसे अपना अभिमान अपने घर से ज्यादा प्यारा था। माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि मास्टर जी का घर कहाँ है आपकी दुआ से? वो तो सिधार गए बाबू साहब। सिधार गए? हाँ, लेकिन कब? यही कोई डेढ़ दो बरस हो गए बाबू साहब। डेढ़ दो बरस? गौरी तो होगी। गौरी वो तो बाप दादा की जमीन बेच बाज कर कहीं चली गई बाबू साहब। चली गई? लेकिन कहाँ? राम जाने कहाँ चली गई। बीबी जी बुला लाए का साहब को? मेरे लिए ये उमा कांति बहुत है, इसी को पालने पोसने में मेरा जीवन बीत जाएगा। इसे पढ़ाऊंगी, प्यार से जवान करूंगी और बड़ा होने के बाद ये अपने बाप के बेदर्दियों को भुला देगा। इसके बच्चे के लिए लोरी सुनाते सुनाते एक दिन मैं खुद आराम से सो जाऊंगी। अरे दुबे को पकड़ो, दुबे को। अरे दुबे गिर गया, अभी गाली लेके भागो। हाय उमाकान। हाय रवि। चल रहे हो ना? नहीं यार। सर क्यों फिक्र किस बात की? इम्तिहान तो खत्म हो गया ना? सॉरी रवि, मुझे आज गांव जाना है, माँ परेशान होंगी। ठीक है, एज यू विश। लेकिन यार चलते तो मजा आता। फिर कभी यार। डेफिनेटली। ओके, ऑल द बेस्ट, कम सून, बाय बाय। देख मोनिका, तेरा बॉयफ्रेंड तेरा इंतजार कर रहा है। हाय रवि। हाय मोना। सॉरी रवि, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। क्या करें भाई, ये खेल थोड़ी है, प्यार है प्यार। यू नॉटी। चलो। हाय
सॉरी मनीषा, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। करे भी क्या साहब, ये प्यार है, खेल थोड़ी ही है। फिर साहब आज आप अपने गांव भी जा रहे हैं, जा रहे हैं, चलिए बहुत सी बातें करनी है। चलो टैंक फुल कर दो। क्या बात है रवि, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। नेचुरली मोना, आज मुझे कॉलेज से छुट्टी मिली है, पढ़ाई से छुट्टी मिली है, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि तुम मिली हो। हाँ हर रोज तुम और मैं और तुम, मजा आ जाएगा। तुम तक तो ठीक है हुजूर, लेकिन मैं तो एक महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। क्या, कितने दिन? महीने भर के लिए। एक महीना? ओह माय गॉड, हो गई ना छुट्टी। इसका मतलब है 30 दिन तक मुझे न जाने तुम्हारे बगैर रोज कितनी बार मरमर के जीना पड़ेगा। हो ना, तो मैं। हाय डैड। वो लड़की कौन थी तुम्हारी पास? ओ वो लड़की, जस्ट अ फ्रेंड डैड। जस्ट अ फ्रेंड? वैसे ये डैडी मोनिका, मोनिका तिवारी, माय क्लासमेट, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो यूं सुनाती है जैसे बच्चन की मधुशाला सुनाए। देखो रवि, लड़कियों के साथ इस तरह खुलेआम गुलछेरे उड़ाना अच्छी बात। ओ डैड, यू डोंट अंडरस्टैंड, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप? एक दिन इसी सवाल के जवाब में मैंने अपने पिताजी से जनरेशन गैप की बात की, और उन्होंने कहा था कि जनरेशन के बीच में गैप हो ही नहीं सकता। हाउ राइट यू आर, क्योंकि मैंने जीवन का सुख और उस सुख का अंत दिखाया रही, इसीलिए समझा रहा हूं। देखो लड़कियों से मिलने जुलने में कोई खराबी नहीं, लेकिन हर दोस्ती हर रिश्ते की सीमा होती है। सीमा समझते हो? हाँ, सीमा मतलब लिमिट। यस लिमिट। रिजल्ट कब आ रहे हैं? परसों। इस साल क्या प्रोग्राम? उससे कम नंबर आने का सवाल ही पैदा नहीं। हर क्लास में भी पास हो जाओगे ना? आज भी सही है। ठीक है मैं लेट आप पढ़। चला। माँ, माँ। अरे, अरे क्या कर रहे हैं? माँ। क्या बोले? पागल हो गए थे? माँ। हुआ क्या? हुआ ये कि मेरा मुंह चूमने के बजाय मुझे मारते हो। माँ पता है मैं फर्स्ट आ गया। माँ मैं फर्स्ट आ गया। तू फर्स्ट आ गया? हाँ। मेरा बेटा फर्स्ट आ गया? हाँ माँ। हाँ बेटा, आज तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। तुझे पाल कर बड़ा करने के लिए मेरे पास मेरी हिम्मत के सिवा और कोई साधन नहीं था। माँ, मेरे थके हुए दिनों और जागे हुए तमाम रातों का इनाम मिल गया आज। मेरा बेटा, मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। मिल गया फर्स्ट क्लास? चलिए पेपर तो मैंने अच्छे दिए थे, लेकिन उन लोगों ने फेल कर दिया। और दूसरी बार लुटते हो गया, तीसरी बार याद कहाँ होगा अपना, फेल होते ही चले जाते। खैर ये बताओ अब क्या इरादा? तेरी अब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। तुमने पीछे भी कब पढ़ा? ठीक है, मुझे कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। जब सिगार पीना नहीं आता तो पीने की जरूरत क्या है? क्या था? तुम्हारे बाप को मिनिस्ट्री करना नहीं आता था, उन्होंने मिनिस्ट्री किया नहीं। मुझे शादी करना नहीं आता था, मैंने शादी किया नहीं। तुम्हें बच्चा पैदा करना नहीं आता था, तुमने बच्चा, मेरा मतलब है बच्ची पैदा किया नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, लौट आओ, लौट आओ। अरे शशि तुम कब आए? तुम्हारे लौट आने से पहले। अंकल, डैडी को कोई दवाई वाई खिला के आप ठीक क्यों नहीं कर देते? ये यूं ही बैठे बैठे गायब हो जाते हैं। बेटे मैंने सोचा था बड़े होने के बाद तेरे डैडी के खाली पुलाव पकाने की आदत छूट गई होगी। अरे छुट्टी कहाँ है, मुँह से ये काफिर लगी हुई। अरे हाँ, आज तो रवि का रिजल्ट आ गया होगा। भाई मनीषा ने तो कमाल कर दिया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहली ही ट्राई में पास हो गई सेकंड डिवीजन में आपकी दुआ से।
और रवि ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज से नहीं होता, समझ नहीं आता कि क्या करूं इस लड़के का। करना क्या है, अगर पढ़ाई में जी नहीं लगता तो पढ़ाई बंद करवा दीजिए, किसी काम में लगवा दीजिए। हाँ तो राजनीति ठीक रहेगी, क्योंकि यही एक पेशा है जिसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। मिनिस्टर लगवा देते? नहीं बाबा नहीं, किसी परमानेंट काम के बारे में सोचो ना। तो ठीक है, फैक्ट्री में लगवा देते, तुम उसे कल ही भेज दो, लेकिन हाँ इंटरव्यू में बहुत तक लूंगा आपके दुआ से। वाह 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 वाह, शायरी तो खूब करते हैं, पर जनाब जी पिताजी के सामने ये शायरी नहीं चलेगी। तो मैडम आप कुछ टिप्स दीजिए ना, फिर देखिए मैं आपके पिताजी को कैसा चकमा देता हूँ। बख्शीश क्या मिलेगी? बख्शीश आपके गुलाबी गालों पर। बस आप कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपकी दुआ से। थैंक यू सर। अच्छा तो इतना बता दो कि रिसर्च सेक्शन में काम करना पसंद करोगे या प्रोडक्शन सेक्शन में? रिसर्च सेक्शन में। मनीषा ने ठीक ही रिकमेंड किया था आपकी दुआ से। बेस्ट ऑफ लक, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू वेरी मच सर। हाय उमाकांत। हाय रवि। हेलो अंकल। हेलो रवि। नो हाय भाई, आज से ये ऑफिस में तुम्हारे अंकल नहीं, तुम इन्हें सर कहकर पुकारोगे। बैठो, इनसे मिलो। आप है डॉक्टर शशिकांत वर्मा, मेरे पार्टनर। बैठो बैठो। शशि इससे मिलो, उमाकांत वर्मा, ब्रिलियंट स्टूडेंट, एमएससी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट 94% मार्क्स इन इंजीनियरिंग, आज ही रिसर्च डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कीप इट अप। देखो इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी हमने तुम दोनों पर सौंप दी है, अब देखना यह है कि कितनी जल्दी फैक्ट्री की और अपनी तरक्की करते हो। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा सर। गुड। चलिए आप दोनों को अपना अपना डिपार्टमेंट दिखा दिया जाए। लेट्स स्टार्ट। गेट अप। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ऐसा मत कहो माँ, दिल्ली में मुझे फर्स्ट क्लास नौकरी मिली है, बंगला मिला है, नौकर चाकर है। मैं जानता हूँ माँ, कोई भी बेटा अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता, मुझे कुछ तो सेवा करने का मौका दो। बोलो ना, चुप क्यों हो, आखिर इस गाँव में रखा क्या है? वहां मैं बहुत रह चुकी हूँ बेटा, और ये न कहो कि इस गांव में क्या रखा है। इस गांव में तुम्हारा सारा बचपन है, सारा लड़कपन है, वो सारे सपने हैं जो मैंने तुम्हारे बड़े होने के बारे में देखे। जवानों के पास भविष्य होता है, बूढ़ों के पास अतीत, अच्छी बुरी उजली नैली यादें। चल तेरी खुशी सही। गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग टू यू उमाकांत, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस किस बात के भाई? अरे हमारी एसजीआईएम कास्टिंग की इंडियन और फॉरेन मार्केट में टेरिफिक डिमांड हो गई है। सर भाई देखो 7 करोड़ के ऑर्डर है, 7 करोड़। अरे गुड, वेरी गुड रवि। रवि हाँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। ना 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 उमाकांत, इस सक्सेस का सारा क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। बिल्कुल नहीं भाई, अगर तुम मुझे कोऑपरेट न करते तो मैं क्या कर सकता था? अरे इस कामयाबी की खुशी में कंपनी तुम्हारे सम्मान की खातिर एक बहुत बड़ा जलसा कर रही है। जब से राजनीति छोड़ी है भाषण देना तो भूल ही गया, क्योंकि भाषण देने का कोटा खत्म हो गया। इसीलिए आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं सीधा बिंदु पे आ जाता हूँ। रविकांत वर्मा हमारी कंपनी के चीफ सेल्स मैनेजर और उमाकांत वर्मा हमारी कंपनी के चीफ इंजीनियर, दोनों ने एक ही साल में हमारी कंपनी के सेल्स और प्रोडक्शन को दुगना कर दिया, मेरा मतलब है डबल कर दिया आपकी दुआ से। अब मैं अपने पार्टनर डॉक्टर श्रीकांत वर्मा से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों के सम्मान में कंपनी की तरफ से 10,000 रुपए के चेक और 1,000 कंपनी के शेयर उन्हें अपने हाथों से भेंट कर। ए, ए,
इधर देना। दोस्तों, मैं रविकांत वर्मा और उमाकांत वर्मा को मुबारकबाद देता हूं और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि वर्कर्स के सहयोग के बिना ये सफलता नामुमकिन थी। इसलिए मैं तमाम वर्कर्स को 2 महीने का बोनस अनाउंस करता हूं। Can I start the function? Yes, my son. Let's go. And now, ladies and gentlemen, I present to you a famous dancer, Miss Lily. है कोई जो मेरे मुकाबला है? देख क्या रहे हो, जवाब दो। यस आई एम हियर। ओह तुम ना दोगे? ये उमर और ये जिगर, पुराने चावलों का दम तुमने अभी देखा नहीं। या कम ऑन भगत। देखे जमाना तारा सामनिया, देखे जमाना तारा सामनिया, मैंने पुकारा तुझे, मैंने ललकारा तुझे सामनिया, देखे जमाना तारा सामनिया, हे सामनिया, देखे जमाना तारा सामनिया, मैंने पुकारा तुझे, मैंने ललकारा तुझे, जरा संभल तू, संभल के चल तू, जरा संभल तू, संभल के चल तू, देखो पुरानी याद आ गई, जवानी याद आ गई, पुरानी याद आ गई, जवानी याद आ गई, सामने आ, देखे जमाना सारा सामने आ। Thank you.
पता नहीं दिल को नाचना, आता नहीं दिल को नाचना, कहते हैं आंगन टेढ़ा है, आता नहीं दिल को नाचना, कहते हैं आंगन टेढ़ा है, फूले हो फूले हो। ये क्या है? माँ, आज का दिन मेरे जिंदगी का एक सुनहरी दिन है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने सैकड़ों लोगों के सामने मेरा सम्मान किया। अच्छा? हाँ माँ, मेरी इन्वेंशन के लिए मुझे मुबारकबाद दी और माँ इनाम में मुझे 10,000 रुपए का चेक दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया। माँ, अरे हाँ, पार्टी कैसे रही रे? पार्टी? अरे मजा आ गया माँ, मजा आ गया। रवि के डैडी क्या नाचा है लट्टू की तरह, और वो मिस लिली जिसकी बड़ी शोहरत थी ना, माँ थोड़ी देर में अलग खड़े होकर ताली बजाने लगी और वो नाचते रहे नाचते रहे। माँ, माँ रवि का मुंह तो देखने लायक था, ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पे खुशी एंड सॉर्ट ऑफ प्राइड का सूरज निकल आया। नाच के खत्म होते ही रवि तो पागलों की तरह डैडी डैडी चिल्लाता हुआ उनकी तरफ लपका। माँ, उन्होंने तो हंसते हुए लिपटाना चाहा, मगर रवि उसने तो आप देखा ना, ताव बाहों में भर के उठा ही तो लिया उनको। माँ, दुनिया का कोई बेटा अपने बाप को और कोई बाप अपने बेटे को इतना नहीं चाहता होगा। डैड कहते कहते रवि की और माय सन कहते कहते उनकी जबान नहीं थकती थी। बाप की क्या मजे की चीज होता है। मेरे डैडी भी यहां रहे होते तो जीने का मजा और बढ़ गया होता। क्या मेरा प्यार तुम्हें कम लगता है बेटा? ये बात नहीं है माँ, तुम्हारा प्यार तो बहुत है, लेकिन पिताजी का प्यार भी मिल गया होता तो क्या बात होती। हाय उमाकांत। हाय रवि, बड़ा सरप्राइज। हाय। अरे यार, वो ऑफिस की गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया। हाँ। सोचा मैं तुम्हें पिकअप करता चलूं। माँ, माँ इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त रवि, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शशिकांत वर्मा का इकलौता बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। बिल्कुल नाश्ता वैसा करके नहीं आए हो, तुम्हें खाना ही होगा। नहीं मैं लिखा बेटा, खाओ ना। अम्मी, आप दूसरे बच्चे की तरह खिला रही हैं। हाँ बेटे, माँ की नजर में बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। थोड़ा और खा ले। आ। पानी पी ले। प्यार से मुझे तो कभी नहीं खिलाया माँ। हाँ हाँ, तू तो रामायण पढ़ता और अपने हाथ से खाता हुआ पैदा हुआ था ना। अरे मम्मी, बहुत देर हो गई, चल चले। चलो बेटा। जी। कभी कभी आते रहना। जरूर मम्मी, चलूं? अच्छा चल। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। रवि, खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या सोचा था? आज उमाकांत के घर गया था डैडी, उसकी माँ से मिला। His mommy is a wonderful lady, daddy. अच्छा। हाँ डैडी, और इस घर में मेरी माँ की एक तस्वीर भी नहीं। तस्वीर देखता तो उन्हें सपने में भी देखता। डैडी, मेरी माँ कहाँ है डैडी?
पता नहीं अपने घमंड के दलदल में धंसी जा रही होगी कहीं। उसकी गलती से मेरा एक मरीज मर गया, तब तुम बहुत छोटे थे। मैंने डांटा तो बुरा मान गई, मुझे तुम्हें अपने इस घर को छोड़कर चली गई। तब से लेकर आज तक उसे न तुम याद आए न मैं। मैंने मां बनने की कोशिश तो पूरी की, शायद नहीं बन सका। पता नहीं ये तुम्हारी बदनसीबी है या मेरी। हाँ बेटा, आज अचानक तुझे माँ कैसे याद आ गई? इसलिए कि मैंने आज एक माँ देखी है। मैंने देखा कि माँ का प्यार क्या होता है और महसूस किया कि जिंदगी में मैंने क्या चीज मिस की है। हेलो। हाय रवि, हाउ आर यू डार्लिंग। तुम्हारा भी कमाल है, मुझे अबराय में बुलाकर खुद गायब हो गए और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। परसों गुफा में तुमने जो मेरे अरमान जगा दिए तो मैं सारी रात सो नहीं सकी। और मालूम है कल रात तुमने मुझे सपने में कितना सताया। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लड़की होते हुए ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती आपको? रवि, ये तुम बोल रहे हो? मैं रवि का बाप बोल रहा हूँ। बाप रे। जाए पर हेरा फेरी से न जाए। प्रिय, तुम बात समझने की कोशिश करो। मैं तो ये देख रहा था कि आजकल भगवान का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया है, अच्छी सूरतें बनाता ही नहीं। आखिरी अच्छी सूरत सिर्फ तुम्हारी बनाई है। मुझे तो वो सुबह याद आ रही है जब तुम। पिछले जन्म में तुम्हारी शादी शौक लखनवी से हुई थी क्या? पता नहीं। क्यों पता नहीं? तो फिर उसने ये शेर कैसे कहा? कहने सुनने से पहले मान गई, फिर ये चिल्ला के बोली जान गई। तुम्हें तो ये शेर पता भी नहीं था। 2 महीने पहले रेडियो प्ले पर सुना था, तब से मौका बेमौका दोहराते रहते हो। लौट आओ। अरे शशि, तुम दोस्त हो या दुश्मन? हमेशा नाजुक मौके पे वापस बुला लेते। हाय अंकल। हेलो माय डॉल। वैसे मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। यू आर माय डार्लिंग अंकल, आप मुझसे खफा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। जानती हो कितने दिनों से तुम हमारी तरफ नहीं आई। बाई द वे, तुम्हारे कंजूस डैडी मम्मी ने अभी तक चाय नहीं पूछी। हो जाए एक चाय, गरम गरम चाय। अभी लाई, ये गई और ये आई। That's like a good girl. बैठो भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे तो बात करना ही फजूल है, ये तो फौरन ख्याली दुनिया में पहुंच जाता है। मुझे मनीषा से बहुत प्यार हो गया है, इसीलिए चाहता हूँ कि मैं। गलत, बिल्कुल गलत। चाहने वाले आप कौन होते हैं साहब? लड़की वाले हम हैं आपकी दुआ से। क्यों डालें, ये चाहने का काम हमारा है। शशि, मैंने यानी कि तुम्हारी भाभी ने यानी कि हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर दी जाए। नो, गलत। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं हो सकती। मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ होगी। मैं मनीषा से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और मैं उसे शादी का वादा कर चुका हूँ। वादा मैं भी कर चुका हूँ रामनारायण से। उसकी और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और उस दोस्ती को रिश्तेदारी का दर्जा देने के लिए हम दोनों ने बरसों पहले फैसला कर लिया था। तुम्हारी शादी होगी तो मनीषा से ही होगी, एंड दैट इज फाइनल।
कम इन। हाय उमा डार्लिंग। मनीषा तुम यहाँ? आओ बैठो। क्या हुआ, खैरियत तो है? खैरियत होती तो इतनी तेज ड्राइव करके यहाँ आती। डैडी और शशि अंकल ने मिलकर रवि से मेरी मैरिज पक्की कर दी है। मुझे मालूम हुआ तुम यहाँ हो, इसलिए यहाँ चली आई। अब क्या होगा? तुमने अपने डैडी से क्या कहा? अरे भाई कुछ तो कहा ही होगा ना, ये नहीं कहा कि फरीदाबाद जा रहे हैं। उन्हें तो पता है कि मैं एक सहेली की बर्थडे पार्टी में हूँ, कल लाऊंगी। कमाल है, जिंदगी में इतना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है और आप हंस रहे हैं। जिंदगी में कोई क्राइसिस वाइसिस नहीं आया है। What do you mean? कि जिंदगी में कोई क्राइसिस नहीं आया? तो क्या चुप चुप रवि से शादी कर लूं? यार एक बात बताओ, लड़कियों की अकल उनके मेकअप किट में क्यों आती है? सुनो डार्लिंग, रवि मेरा दोस्त है। जब मैं उसे ये बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो साफ इनकार कर देगा। डार्लिंग डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑलराइट। ओके स्माइल। यार शादी तो कर ली लेकिन मजा नहीं आया। डैडी तो आशीर्वाद देने वाले हैं नहीं। चलो मम्मी के यहाँ चलते हैं। मम्मी? हाँ उमा का की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी, बात तो एक ही है ना। अरे उनको देखोगी ना तो तबीयत दरी हो जाएगी। चलो ओके सी यू। राम सिंह शिर सिंदूर दे। मम्मी ये आपकी बहू है, शादी करके सीधे यहाँ आया हूँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। पर बेटे डैडी बहुत गर्म होंगे इसलिए वहां नहीं गया। वो मेरी शादी कहीं और करना चाहते थे इसलिए मैंने सोचा कि ये शादी कर डालूं। और सच्ची बात तो यह है मम्मी कि उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। आप जैसी माँ होती तो उन्हें समझा लेती। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जरा ठहरो। देखा मेरी मम्मी का प्यार। हेलो मनोहर, रवि तुम्हारे वहां है? नहीं नहीं ऐसे ये काम था, पता नहीं कहां चला गया। ओके देख लूंगा। हेलो डॉक्टर वर्मा यार, मैं गौरी बोल रही हूँ। कौन गौरी? मैं गौरी। गौरी गौरी तुम? मैं कैसी हो? कैसी हो गौरी? अच्छी हूँ अच्छी हूँ, कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ गौरी कहो। तिलक पार्क में मिल सकोगे? हाँ हाँ अभी आता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। आधे घंटे में। गौरी को बूढ़ी लगने लगी,
कुछ उम्र, कुछ गुजारा चलाने की परेशानी है। ये भी नहीं पूछता कि गौरी कैसे रही थी इतने दिन, तो मुझे क्या पड़ी है? अभी तक वही अभिमान है, यही है तो यही सही। क्यों बुलाया था? बेटे को तो पालकर बड़ा कर लिया होगा ना? एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी करने वाला हूँ। लड़की भी देख ली है मैंने। उसके लिए लड़की देखने में आंखें ना दुखा। रवि ने तुम्हारी मर्जी और इजाजत के बिना शादी कर दी। क्या धक्का लगा ना दिल को सुनकर? लड़की मुझे अच्छी लगी। तुमने कहाँ देखी वो लड़की? शादी के बाद रवि आशीर्वाद लेने के लिए सीधा मेरे ही पास आया था, जबकि वो ये भी नहीं जानता कि मैं उसकी माँ हूँ। सुनो, अब दांत में डपटने से कुछ नहीं होगा। उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। दोनों को आशीर्वाद दो और बहू को स्वीकार कर लो। जवान करेंगे लड़के को पालकर। डॉक्टर वर्मा, बच्चे को बढ़ने के लिए ममता की खाद की जरूरत पड़ती है। बच्चे को पालकर तो मैंने बड़ा किया है। बच्चा? हाँ, एक बच्चा तुमने छीन लिया था, दूसरा बच्चा मेरे कोप में था, उसे तो तुम नहीं छीन पाए थे ना। कहाँ है वो? तुम्हारी ही फैक्ट्री में काम करता है, उमाकांत। उमाकांत, he's so brilliant, such a nice boy. जी हाँ, वही मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा तो बीएससी भी पास न कर सका, और मेरे बेटे ने एमएससी इंजीनियरिंग में टॉप किया है। दोनों बेटों को गौर से देखो, खुद ही समझ जाओगे कि बाप के पालने में और माँ के पालने में कितना फर्क होता है। चलती हूँ। ठहरो। क्या कुछ और नहीं कहना? कुछ नहीं। अरे जाओ जाओ, इतने बरस के बाद भी घमंड वही है। एक बार भी प्यार से कहती, शशि शशि मुझे घर ले चलो, तो क्या मैं सब आंखों पर बिठा कर न ले जाता? कहती है कुछ नहीं कहना। अरे कुछ नहीं कहना तो ना सही, हा? तुम्हारे बिना इतने दिन जी लिया, तो तुम्हारे बिना बाकी दिन भी जी सकता हूँ, समझी? डैडी, ये मोनिका है, मिसेस मोनिका वर्मा। जी दे रहा हूं। ये शादी करने पर मैं रवि से खुश नहीं हूं बेटी, पर तुम वर्मा खानदान की बहू हो और इस नाते मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। आई एम श्योर इस खानदान की परंपरा और मर्यादा का तुम आदर करोगी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी आजकल तो वो कुछ नहीं करते डैडी। पहले क्या करते थे? वो मिलिट्री में हवलदार थे। हवलदार होना कोई शर्म की बात नहीं है बेटी। दुबे अच्छे भैया। का है भैया? दुबे बहू को ऊपर ले जाओ और घर की चाबी सौंप दो। अच्छा जाओ बहू। अंकल आओ बेटी। अंकल मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे मदद मिल गई, अब ये बताओ कैसी मदद चाहिए? अंकल मैं हाँ हाँ बोलो। एक्चुअली आई मीन टू से हाँ हाँ वो
मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्यार? That is wonderful. कौन है वो लड़का? अंकल, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। उमाकांत? नमस्ते सर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अनीशा को खुश रखोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। सर नहीं बेटा, रिश्तेदारी में सर्वर नहीं होता। तो डैडी को आप संभाल लेंगे ना अंकल? बेटी तेरा डैडी बड़ी टेढ़ी खीर है, शादी की इजाजत मांगेगी तो कभी नहीं देगा। अरे हाँ, शादी करके आशीर्वाद मांगो तो शायद मिल जाए। और हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी मम्मी का क्या ख्याल है? मेरी मम्मी तो सिर्फ मेरी खुशी चाहती है। और तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी? उन्हें मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन सुना है कि... क्या सुना है? सुना है कि वो सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं। डॉक्टर वर्मा, बच्चे को बढ़ने के लिए ममता की खाद की जरूरत पड़ती है। बच्चे को पालकर तो मैंने बड़ा किया है। ऑलराइट, ऑलराइट, तुम दोनों की शादी मैं करूंगा। हैप्पी अंकल। तो ये बताने आया हूं कि अकेली मां भी बच्चे को नहीं पाल सकती, बच्चे को बाप के प्यार की धूप छांव की भी जरूरत पड़ती है। तुम कहना क्या चाहते हो, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे गोल्ड मेडलिस्ट बेटे उमाकांत की बात कर रहा हूं। उसने तुम्हारी मर्जी और इजाजत के बिना शादी कर ली है। अब डांटने डपटने से कुछ नहीं होगा, वो अच्छे घर की है, साथ लाया हूं, स्वीकार कर लो। सुनो, क्या इतना ही बताने आए थे? हाँ, कहने और सुनने के लिए, और रह क्या गया? रह क्या गया है? अरे इतना तो कह ही सकते थे। क्या हो गौरी, अब अपने घर वापस चलो। तुम क्या समझते हो, जिद सिर्फ तुम ही हो? जिद मुझे भी आती है। हाँ, जाओ जाओ। मम्मी डांटेगी तो नहीं? नहीं नहीं, जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। शादी मंजूर करने की बेवकूफी की है, लेकिन मैं मनीषा की शादी मंजूर करने की बेवकूफी नहीं करूंगा। आर्यन, तुम्हारे मंजूर या नामंजूर करने से मनीषा की शादी टूट जाएगी। एंड फर्दरमोर, मनीषा की शादी उमाकांत के साथ मैंने करवाई है। क्या? यस, मैंने तय कर रखा था ना कि मनीषा मेरी बहू बनेगी, इसलिए जब रवि ने अपनी शादी किसी और लड़की से कर ली तो मैंने मनीषा की शादी अपने दूसरे बेटे से कर दी। दूसरा बेटा? हाँ, कौरी जब मुझे छोड़कर गई थी तब गर्भवती थी। अच्छा अच्छा, यानी कि तुम्हारा दूसरा उमाकांत? लेकिन आर्यन, उसे ये पता नहीं और ना ही मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा उसको? नहीं मालूम होगा, मुझे तो ये बताओ कि वो दोनों है कहाँ। हनीमून पे।
अच्छा कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे भाई स्टेशन का रास्ता उधर है, इधर नहीं है। क्या बकते हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? चलो उठ मारो। बेटा बता दीजिए मैं कौन हूँ। ये हमारे पिताजी हैं, अंग्रेजी में फादर है। हाँ हाँ वो तो लगत है बेटा। हाँ कहीं कोई बाढ़ आ गई है, रिफ्यूजी है, शरणार्थी है। डॉक्टर शशिकांत वर्मा का मैं समधी हूँ, रविकांत वर्मा का मैं ससुर हूँ, मिसेस रविकांत वर्मा का मैं बाप हूँ, हवलदार दीनानाथ तिवारी। चलो उठ मारो। राम राम, आप हैं, हम पहचानत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो अंदर चलो। देखो टांगे का किराया दे दो। अरे बाप रे बाप, ओह क्या इतना बड़ा
दुकान, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बेटी मोनिका, अजी सुनते हो, देखा कितना बड़ा घराना है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। कौन है आप लोग? डॉक्टर शशिकांत वर्मा का नाम सुना है? मैं उनका समधी हूँ, हवलदार दीनानाथ तिवारी। चलो मारो। डॉक्टर शशिकांत वर्मा मैं ही हूँ। आप ही समधी जी हैं? अजी सुनती हो, समधी जी को ही मैं पूछता हूँ, शशिकांत वर्मा का नाम सुना है? I'm a bloody fool. अरे पिताजी, आप कब आए? बेटी कैसे हो? पप्पू मम्मी हो? बेटी रवि मुन्नी कैसे हो? अपने ससुर जी के पैर छो। जीते रहो जीते रहो। अरे वाह, वाकई तुम्हें हवलदार के जमाई दिखते हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप पधारे। दो चार दिन ठहरेंगे ना आप? दो चार दिन? जस्ट नाउ वी हैव कम। जाने के बारे में तो अभी कुछ सोचा ही नहीं। बहू जी, अपने पिताजी को गेस्ट हाउस ले जाओ। चलिए पिताजी। हाँ थक तो गया हूँ। अरे भाई कोई लस्सी वस्सी तो पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। क्या मैं श्रीमती वर्मा से बात कर सकता हूँ? जी मैं बोल रही हूँ। जी नमस्ते, मैं आपका समधी राम नारायण बोल रहा हूँ आपकी दुआ से। नमस्ते भाई साहब, मैं आपके पास आने ही वाली थी, बच्चों ने बड़े गलती की कि पूछे बिना। वो बात छोड़िए बहन जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मनीषा मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। मैं भी तो उमाकांत के बिना रह नहीं सकती। एक तरकीब है आपकी दुआ से, हिंग लगे ना फिट करी, रंग भी चुका है, आप हमारे यहाँ आके रहने लगी। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा भाई साहब, आपका घर बेशक बहुत बड़ा है, वहाँ बहुत आराम भी मिलेगा, लेकिन अपना घर फिर भी अपना घर होता है। आत्मा पनपने के लिए अपने ही घर की जमीन और धूप छांव मांगती है। मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी बहन जी। नमस्ते। डैडी क्या कहा उन्होंने, मान गए वो? तुम्हें अपने पति के घर में ही जाकर रहना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया मौसी, आना ही बंद कर दिया? कैसे आऊं, तुम भी तो बहू वाली हो गई हो, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अरे बेटी, बहुएं होती ही हैं बुरी। मौसी आप भी तो कभी बहू रही होगी। अजी मैं ऐसी बहू थी कि मैं क्या बताऊं, अब मुझे बहू ऐसी मिली है कि जूते की नोक पर रखती है। बहुएं हुई है आज तक किसी की? अरे वो बहू नहीं, नागिन है नागिन, उसके काटे का मंत्र नहीं है, ऐसी जगह मारेगी कि जहाँ पानी न मिले। मेरा माथा उसके घर आते ही थनका था कि ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तुम कब आए बेटी, आहट भी नहीं मिली? नागिन की कभी आहट मिलती है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप आस पड़ोस की बुढ़िया से मेरी शिकायत कर रही हैं? अरे बहू भगवान से डरो, भगवान से। आप चुप रहिए। मम्मी इन लोगों का घर में आना बंद कीजिए, मुझे अपने घर में ऐसे लोगों की भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। मगर बेटी मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को रही क्या गया है, मेरे तो कांटे का मंत्र नहीं है ना, मैं आपको ऐसी जगह मारूंगी जहाँ पानी ना मिले, है ना? अब बैठी क्या है, जाइए बहू। गेट आउट। ये क्या बेहूदगी है, उनसे मिलने आई है, इनसे मिलने का इतना ही शौक है तो इनके घर जाकर मिला कीजिए, लेकिन आज से ये मेरे घर में नहीं आएंगे। ये तेरा घर है तो फिर मेरा घर? बहुत अबेर हो गई है, चलो खाना खा ले। दुबे रवि के बगैर कभी खाना खाता हूँ मैं। अब राम जाने रवि बाबू कब आएंगे। कहाँ गए सारे बटलर, जल्दी से खाना लाओ, भूख के मारे दम निकल रहा है। अजी चिल्ला क्यों रहे हो, खाना अभी आ जाएगा। अरे दामाद जी आओ बैठो, खाना खाओ, बैठो बैठो। ऐसा खाना तुमने जिंदगी में नहीं खाया होगा।
रवि बाबू तो अपनी फैमिली के संग खाना खाने बैठ गए, तुम्हारा खाना हम यहीं ले आवे भैया। नहीं दुबे, भूख मर सी गई है, कल से रवि के बगैर खाना खाने की आदत डाल लूंगा। शादी के बाद बेटे की अपनी फैमिली हो जाती है ना, आप आउटसाइडर हो जाता है। अरे सारे कपड़े खराब कर दिए, खाना परोसना भी नहीं आता है, खाना परोसना भी नहीं आता। साहब 30 बरस से खाना परोस रहे हैं साहब, आप खाना सीखिए। रखू इस घर का नमक खाया है साहब, सिर काट लीजिए, पर गैरों के जूते नहीं खा सकते। देख रहे हैं ना भैया? हाँ दुबे देख रहा हूँ। एक चीज जब अपनी जगह से हट जाती है ना, तो सारी चीजें उलट पलट हो जाती हैं। फ्रिज और टीवी यहाँ पे रख दो। अरे संभाल के लाना भाई, सोफा यहाँ पे लगा दो। तुम लोग आपस में बांट लेना। राम राम भैया। मम्मी आप आ गई, देखो अब ये कमरा कैसा लग रहा है। ये इतना सारा साज सामान कहाँ से उठा लाई बेटी? कबाड़ी की दुकान से मोल तोल करके सेकंड हैंड फर्नीचर नहीं लाई हूँ मैं। मैंने डैडी से कहा, सीधा गुरु संस के यहाँ से चला आ रहा है फर्नीचर। तुमने अपने पिताजी से कहा? अच्छा नहीं किया। मम्मी मैं अपने डैडी को चटाई पर बिठा के खाना नहीं खिला सकती। क्यों नहीं खिला सकती? अगर चटाई पर मैं खा सकती हूँ, तुम्हारा पति खा सकता है, तो तुम्हारे पिता क्यों नहीं खा सकते? वो सेकंड हैंड फर्नीचर पर बैठे और सेकंड हैंड टेबल पर खाना खाने के आदी नहीं है। बहू सेठ राम नारायण की इकलौती बेटी की तरह जीना भूलकर उमाकांत वर्मा की पत्नी की तरह जीना सीखो। ये सामान अपने डैडी के घर भिजवा दो। इसे यहाँ लाकर तुमने अपने पति का अपमान किया है। वो जब शिकायत करेंगे तो मैं देख लूंगी। इस घर में थोड़ी बहुत मेरी मर्जी भी चलनी चाहिए। आपका ये मेरा घर है। क्या बात है मनीषा? अपनी माँ से पूछो, शादी से पहले तुमने ये तो नहीं बताया था कि सुबह शाम मुझे तुम्हारी माँ के जूते खाने पड़ेंगे। तुम्हें माँ चाहिए तो यहाँ रहो, मैं चली। मनीषा सुनो तो। छोड़ दो मुझे, मेरी बात तो सुनो। मुझे हवा खाने जाना है, ला गाड़ी की चाबी दे। नहीं साहब, ये बड़े मालिक की गाड़ी हम किसी को नहीं दे सकते। अबे बड़े मालिक के बच्चे, जानता नहीं मैं तेरे बड़े मालिक का समनी हूँ और छोटे मालिक का ससुर, यानी कि इस मकान का मैं डबल मालिक हूँ। ला चाबी ला। नहीं साहब नहीं दूंगा। क्या? नहीं देगा। मेरी इजाजत बिना तूने मेरी कार ले जाने की हिम्मत कैसे की? इजाजत? अपने दामाद के घर में मुझे इजाजत लेने की क्या जरूरत? दामाद का घर अपना घर, यहाँ की हर चीज मेरी है। आई से गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ? तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? यू गेट आउट। तेरी इतनी हिम्मत? खैर तो निकल जा यहाँ से। निकल लोगों की तरह घर में मारपीट करते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या कहा बदतमीज? चलो अब इस घर में नहीं नहीं रहने का। चलो हाँ।
अपनों को जो ठुकराएगा, गैरों की ठोकरी खाएगा, अपनों को जो ठुकराएगा, गैरों की ठोकरी खाएगा, एक पल की गलत फहमी के लिए सारा जीवन पछताएगा, अपनों को जो ठुकराएगा, गैरों की ठोकरी खाएगा। समझा है जीत जिसे वो बन जाएगी हार कभी, तूने समझा है जीत जिसे वो बन जाएगी हार कभी, ये मान तेरा अभिमान तेरा तुझ पे ही करेगा वार कभी, ये चोट सही ना जाएगी, ये दर्द सहा ना जाएगा, अपनों को जो ठुकराएगा, गैरों की ठोकरें खाएगा। का मेल नहीं, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, ये प्यार है दो इंसानों का, ये इश्क नहीं दीवानों का, इसमें जिद का कुछ काम नहीं, ये जीवन है संग्राम नहीं, भूलोगे तो खो जा दूर बहुत हो जाओगे, तुम दूर बहुत हो जाओगे, तो क्या हुआ हम बच्चों के सहारे जिएंगे, बच्चों के साथ गुजर कब तक, ये देंगे साथ मगर कब तक, जब वो भी हो जाएंगे बड़े, तुम सोचोगे ये दूर खड़े, क्या सच है और क्या सपना है, अब दुनिया में क्या अपना है, क्या है अपना, अपना क्या है, क्या है अपना, इसलिए ये बंधन मत तोड़ो, अपनी मर्यादा मत छोड़ो, इसलिए ये बंधन मत तोड़ो, अपनी मर्यादा मत छोड़ो, आपस में जो टकराओगे तो टूट के बस रह जाओगे, अपनों को जो ठुकराएगा, गैरों की ठोकरें खाएगा, एक पल की गलत फहमी के लिए सारा जीवन पछताएगा, अपनों को जो। उमा कांत आए तो उसे चाबियां दे देना बहन। क्या कर रही हूँ बहन? मंदिर जा रही हूँ अपने भगवान से क्षमा मांगने। Thank you.
रुपए। बिटिया तुम, अरे बिटिया आए गई तो सची, थोड़ी देर पहले आए गई होती तो। थोड़ी देर पहले क्या हुआ? थोड़ी देर पहले गजब हो गया बिटिया। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? चले गए। चले गए? जब सब रिश्ता ही टूट गया तो घर में रह के क्या करते। रवि बाबू हाथ उठा दिए भैया पे। हाथ उठा दिया? आज वो इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप पर हाथ उठाने लगा है? कहाँ वो रवि? अरे मम्मी आप? खबरदार जो मुझे मम्मी कहा। अरे अभागे, जिस पिता ने तुझे माँ और बाप बनकर पाला तूने उस पर हाथ उठाया? जिस पिता ने अपनी सारी जिंदगी तुझ पर निछावर कर दी तूने हाथ उठाया उस पर? जो बाप तेरे लिए 25 बरस से अकेला जी रहा है तूने उस पर हाथ उठाया? कमीने! मम्मी! यही है ना वो भागा हाथ? मैं काट डालूंगी इस हाथ को। तू मुझे मम्मी कहता है ना, तो मम्मी होने के नाते मैं तुझे श्राप देता कि तू अपने बच्चों से। पालकिन, ऐसा अनर्थ मत करो मारे। अपने खून को श्राप मत दो बिटिया, अपने खून को श्राप मत दो। पालकिन, तेरी माँ? मैं तुझे बेटा कभी नहीं कहूंगी। तेरे जवान होने के सपने क्या मैंने इसी दिन के लिए देखे थे कि तू अपने डैडी पर हाथ उठाए? जब तक वो तुझे क्षमा नहीं करेंगे रवि, मैं तुझे बेटा नहीं कहूंगी। गौरी कहाँ है? चली गई। ये चाबी दे गई कि उमाकांत को दे देना। चाबियां दे गई? हाँ, क्या करती, बेटे के वास्ते सारी उम्र चक्की की तरह पिसती रही। बेटा निकला ना लाए, माँ को छुट करके ससुराल चला गया। उमाकांत! गुड मॉर्निंग सर। इट इज अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर यू। ये घर उस घर से अच्छा है ना जिसे तुम छोड़कर आए हो। यहाँ कारपेट है, कीमती फर्नीचर है, भारी पर्दे हैं, ये सब कुछ नहीं था उस घर में। लेकिन उस घर में माँ थी, बदनसीब माँ का प्यार था, माँ का आशीर्वाद था। मेरे और तेरे ससुर की सारी दौलत मिलकर भी माँ के प्यार का एक पल नहीं खरीद सकती। और माँ भी कौन जिसने अपने बेदर्द पति से अलग रहकर तुझे किन मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था, ताकि तू इन मेज कुर्सियों के लिए उसे छोड़कर यहाँ आ सके। बोल बोल कमीने, बोल बोल बोल, छोड़ दे, लट कहेगा, छोड़ दे मुझे। दामाद को क्यों मार रहे? मुझे तुम्हारे दामाद को भी मारने का हक है, लेकिन इस वक्त मैं अपने बेटे को मार रहा हूँ। बेटा? आप मतलब ये कि ये तुम्हारे पिताजी? माफी मांगो इनसे। डैडी, मेरे डैडी, 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 मुझे माफ कर दीजिए। डैडी, मैं माफ कर दीजिए। तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तेरी माँ तुझे माफ नहीं करेगी। तुम घर आ गई,
सॉरी, मुझे माफ कर दो गौरी, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें घर से निकाला कि नहीं नहीं शशि, गलती मेरी थी, तुम मुझे माफ कर दो, मैं घर से निकली ही क्यों? अरे भाई, अपनी अपनी गलती साबित करने की जिद में कहीं फिर से झगड़ा ना शुरू कर देना आपके दो ऐसे। और देखो, तुम्हारे दोनों लाडले सर झुकाए खड़े हैं, इन्हें भी माफ कर दो। तुम पछताए, ये तुम्हारी सजा है। हमने माफ किया, ये हमारी मोहब्बत है। एक जरा सी गलत फहमी ने हम दोनों को जुदा कर दिया था। तुम दोनों ये गलती मत करना। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ, आपकी दुआ से? अरे यार, 25 बरस की जिंदगी हमारी उधार है एक दूसरे पर। जुदाई का मतलब समझाना है, मिलन का मतलब समझना है। आओ गरी।